ओम शांति। आज की तारीख है 11/7/2023, 11 जुलाई 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनकर पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। अंतर्मुखी बनकर बाबा की याद में रहना, श्रीमत पर बाबा की मत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी, 21 जन्म सुख प्राप्ति होगी। प्रश्न है आज की बोली से, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये सबसे ऊँची से ऊँची तकदीर है। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं? स्वदर्शन स्वयं के दर्शन के, जब हम चक्र घुमाते हैं कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में परम धाम में थी। सबसे पहले मैं आत्मा शिव बाबा के पास रहती थी, फिर मैं आत्मा ने जन्म लिया, नीचे की ओर उतरी और अपने पहले जन्म सतयुग की तरफ बढ़ी, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर जैसे जैसे युग बदलते गए कलाएं कम होती गई। सतयुग में संपूर्ण सुखी आत्मा थी, द्वापर में जब दो कलाएं कम हुई तो कुछ सुख कम हुआ, त्रेता में दो कलाएं कम हुई तो सुख कम हुआ, द्वापर में और कलाएं कम होती गई, यही कलाएं घटकर आधी रह गई, तो द्वापर से दुख शुरू हो गया। तो हमें यही सुदर्शन चक्र घुमाना है और संगम पर हमें शिव बाबा फिर से मिले और हमें बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ और बाबा के इस ज्ञान से हम पुनः फरिश्ता बनकर सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। तो यही सुदर्शन चक्र हम बच्चों को घुमाते रहना है। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारी सृष्टि की तकदीर को भी जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे, याद रहे कि स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। गीते आज की मुरली से, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। 21 जन्म अगर हमें सुख का वर्षा लेना है तो इस एक जन्म बहुत मेहनत करनी है, बहुत पश्चात करना है। एक छोटा सा पेपर पास करने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं, कोई सरकारी नौकरी लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो हम 21 जन्म सुख लेने के लिए बहुत मेहनत करनी है, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत पर, बाबा की मत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट, प्राणेश्वर शिव बाबा की याद में रहकर सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान है आज की बोली से, मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ काटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। जब प्रकृति के पांचों तत्व तांडव मचाएंगे, जब चारों तरफ तूफान आएगा, तो बाबा कहते हैं बाहर जैसे सूली होगी और आपके पास काटा, सभी आप बच्चों से, आप शांत मास्टर शांति के सागर से सहारा लेने के लिए आपके पास भाग कर आएंगे। स्लोगन है आज की मूली से, अलौकिक सुख बा मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख बा मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव, बाबा कहते हैं मन ही मन मुझे याद करते रहो, तो इस स्थिति में स्थित रहो। आज की मूली से समान का अभ्यास करेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ,
मैं सौ दर्शन चक्रधारी स्वयं का दर्शन करने वाली आत्मा हूँ। आज की मुरली से दो मिनट के लिए शिव बाबा को याद करेंगे। चारों ओर से अपना बुद्धि योग हटा, केंद्रित करें भ्रकुटी की ओर। पवित्रता की अखंड मूर्त, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। पवित्रता का अनंत प्रकाश मुझ आत्मा से, मेरे मस्तक से, चारों ओर के वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक से निकलते हुए देखें दिव्य किरणों को। पवित्रता का ये नारंगी रंग का प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है। एक एक ग्रंथि ब्रेन की पवित्र हो गई। मेरा एक एक संस्कार पवित्रता से संपन्न हो गया। इस शरीर का एक एक कर्मेंद्री पवित्रता से भरपूर हो गई। प्रकृति के पांचों तत्व दिव्य पवित्रता से भरपूर हो गए। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ।